गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर, आप आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं सातवें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है। इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है चौथे गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। तो इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो जब तक वो तत्वदर्शी संत खोज ले उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा, तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुतम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी, ब्रह्म साधक ब्रह्म लोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी है प्राणी, सभी पुनरावृत्ति में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहाँ जन्म मृत्यु होगा युद्ध करना होगा, वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ कहता है अनुतम क्यों बताया, अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुतम गति बताया है, किस लिए इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पर, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग ब्रह्माजी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे। उन्होंने भी ऐसी साधना के लिए हजारों वर्षों तक सूख का काटा हो गए, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल हो गए परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता, उसे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठ योग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे, उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे एक सिद्धियाँ आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पा गए अपने एक दूसरे, जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी सातों समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है, सातों समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चलू भर के और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से, और फिर वापस कुरला कर दिया तो सातों समुद्र भर गए। तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है परमात्मा से की साधना करने से, थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं, इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 पावर हाउस पावर की, तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो ख़त्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है ऐसे ही चुनक ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तिक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दी है, यानी मेरे
अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो, उसके लिए घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की प्राधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी, अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिला करके सारा होता है, सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। किसी वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चुनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आ गए, वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम गए 1-2-4 वर्ष के बाद। तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? तो उसने बताया, सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा? तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, है किसी की पिलाया किसी की मान दूध। ये सैनिक भी एक आध अगर मुँह फटे तो उसने, ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या, ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, वो तो गधा है भे, मतलब पंगा पा लिया। इन्हें बोला, मन ने बांध लिया घड़ा, ये घोड़ा बांध लिया, रख बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के, जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने बांध दिया। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे? हाँ, मैं युद्ध करूँगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर, और माला फिर क्यों मरे तू, बे आई मौत क्यों मर रहा है? उसने, चुनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने घोड़ा हिम्मत की है आपका युद्ध ओटने की, और कल को दूसरा बकवाद करेगा राजन, निप द ईवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ख़त्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया, जाओ उस 72 करोड़ की 4 प्लाटून बना, 4 टुकड़ी कर ली, 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि तय, एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया, घड़ियाँ पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया, और वो ख़त्म हुई सिद्धि, वो तो जो निकल गया बाण वो बम्ब। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी, ऋषि ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने? उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा, सचिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में, के बेहतर अक्षौणी से करी वो चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। ओए होए, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, मानदाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक, और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ,
यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म हैं बेहतर करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। बेहतर अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक ये दे धारे जोरा फिर भाई सभी काल के वेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यह अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि ये तो चलती फिरती घाल है, ये दे धारे मौत फिर है, ये संत नहीं ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख दे धारे जोरा फिर या मौत फिर चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको ऋषि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा और जो सिद्धि की थी जो साधना तपस्या की से ये राजा बनेगा, और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी वो बेड काउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। जैसे ये ओम नाम की साधना से ब्रह्म लोक में जाएगा, वहाँ अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर, फिर खूब पाप कमाओगा। राजा स्वीकार करते हैं अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहाँ कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर संसार में कभी नहीं आते और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहाँ जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम गति में घटिया गति में साथ लीन रहे, इनको वो संत नहीं मिला जिससे जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ थारा चाहे फिर आइयो, जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानमृत। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।